हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है, उसी के साथ शादी का भी मौसम आ गया है। अब जहां हमें इस मौसम में खुद को सर्दी से बचाना है, वहीं हमें सुंदर भी दिखना है। आप सभी तो जानते हैं कि सर्दी में हमारी स्किन कितनी रूखी और बेजान सी हो जाती है। ऐसे में हमें अपनी स्किन का तो ज्यादा ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन अगर इस मौसम में हम दुल्हन बनने जा रहे हैं तब तो हमें और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर स्किन का ठीक से ख्याल ना रखा जाए तो कुछ लड़कियों के चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से सफेद लेयर के साथ खुजली भी देखने को मिलती है। इससे चेहरे की रौनक फीकी पड़ सकती है और शादी के लिए किया गया मेकअप पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो चलिए इस पर मैं आपको कुछ खास बात बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको ये बताती हूँ कि स्किन केयर टिप्स का ध्यान रखना कितना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे शादी के दिन आपका चेहरा चमकता रहे और दमकता रहे। सर्दियों में अपनी ब्राइडल लुक को निखारने के लिए इन स्किन केयर टिप्स की मदद जरूर लें, और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको जरूर ध्यान से सुने। आपकी त्वचा अगर मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट रहेगी तो आपका मेकअप लंबे समय तक अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। सर्दियों के चक्कर में जरूरत से ज्यादा ना लगाएं मॉइस्चराइजर, इससे स्किन के खराब होने का डर रहता है, क्यों दोस्तों? तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खूबसूरत और हेल्दी स्किन के लिए त्वचा का हाइड्रेट रहना जरूरी है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर लेना चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि त्वचा के लिए डिहाइड्रेशन केवल बुरा ही नहीं, बहुत ज्यादा बुरा है, बल्कि आपके डाइजेशन को भी प्रभावित कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्लीजिंग कैसे करना चाहिए। क्लीजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन केयर रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा एक अच्छी क्वालिटी वाला और अपने स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर चुनें। जरूरत पड़ने पर आप त्वचा विशेषज्ञ या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। सर्दियों के दौरान ठंडे पानी में नहाना कठिन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्म पानी का यूज करें। ये स्किन को नुकसान पहुंचाता है और इसे ड्राई और बेजान बनाता है, इसलिए हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाएं। सर्दियों के दौरान हमारी स्किन को नमीयुक्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी आहार लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ साथ आपको बता देती हूँ कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट बहुत जरूरी होती है, तो हमेशा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। और हेल्दी डाइट इतनी इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी स्किन में ग्लो बना रहता है। ढेर सारे फल और सब्जियों का सेवन जरूर करें। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर आहार का ऑप्शन चुनें। अक्सर देखा गया है दोस्तों, स्किन केयर प्रोडक्ट सर्दियों के दौरान आपकी त्वचा पर सफेद रंग की पैचेस बना देते हैं, यानी कि इसलिए आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उन पर ड्राइनेस पैदा करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि हमेशा अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन पे ग्लो बनाए रखते हैं, आपकी स्किन की नमी बनाए रखते हैं, आपकी नरिशिंग कंप्लीट करते हैं। इसलिए स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है, इसको फॉलो करें। 8 घंटे की नींद जरूर लें और पानी पूरी मात्रा में पिएं। और आपको बता देती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट की बजाय स्किन पर घरेलू उपचार का उपयोग जरूर करें, ये अधिक प्रभावी और सुरक्षित होते हैं। अपनी त्वचा को एक अतिरिक्त चमक देने के लिए सर्दियों के लिए कुछ होममेड फेस पैक जरूर लगाएं, क्योंकि ये फेस पैक आपकी स्किन को ग्लो बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खास प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है? बने रहना है फैमिली गुरु के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।